मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के निकट आए, तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। वे उसे खोलने लगे। जो लोग वहां खड़े थे उनमें से कुछ कहने लगे, ये क्या करते हो, गधई के बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। और वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैतनियाह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनियाह से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। उसके चेले ये सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। सराफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और उसने उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, परंतु उससे डरते थे क्योंकि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। और प्रतिदिन सांझ होते ही वो नगर से बाहर जाया करता था। भोर को जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पत्रस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। वे फिर यरूशलेम में आए और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक, शास्त्री और पुरनिय उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है? ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उनसे कहा,
मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वो हमसे कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की, और यदि कहें मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं।